करीरी मिर्डा ग्राम पंचायत खेड़ी की पहाड़ी की तलहटी में स्थित अवैध रूप से क्रेशर प्लांट लगाकर खनन माफियाओं के ओर से नाथ समाज के समाधि स्थल पर अतिक्रमण कर लिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा SDM दुर्गा प्रसाद मीना को दिए ज्ञापन में माध्यम से बताया गया कि खेड़ी में खनन माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से लगाई जा रही क्रेशर कार्य को बंद करवाकर खनन माफियाओं के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने, जिससे आम जन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाथों के शमशान की चार दीवार करवाने के आदेश ग्राम पंचायत खेड़ी को दिए जाए। ग्राम पंचायत के बिना NOC के लगाए कार्य का किया जा रहा है। वहीं पहाड़ की तलहटी से 50 फीट दूर पर आबादी क्षेत्र है। खनन की ओर से अवैध ब्लास्टिंग की वजह से आसपास के घरों में दरारें पड़ रही हैं। साथ ही पहाड़ की तलहटी से 100 मीटर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। 150 फीट की दूरी पर साईं सात बाबा का मंदिर व सरकारी विद्यालय, अटल सेवा केंद्र, पशु चिकित्सालय सहित नाथ समाज का पुराना पारित बाबा एवं GSS ग्रेड है। राज्य के उच्च जलाशय पे जल सप्लाई के लिए बना हुआ है। वहां क्रेशर लगने के बाद खनन माफियाओं के द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की वजह से गिरने का अंदेशा बना हुआ है। पूर्व में भी इस मामले की उच्च अधिकारियों तक ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, परंतु उस वक्त अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अवैध खननकर्ताओं को राजनीतिक संरक्षक मिला हुआ है। राजनीतिक संरक्षक मिलने की वजह से अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उक्त मामले को प्रसंज्ञान में लेते हुए आबादी भूमि व चारागाह वन क्षेत्र भूमि का सीमा ज्ञान कराकर ग्रामीणों को राहत प्रदान करें। अवैध खननकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बाहर के बदमाशों को साथ में लेकर लोगों को डरा धमका रहे हैं। इनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। विधायक के संरक्षण की वजह से पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ज्ञापन देने के दौरान आशाराम मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता धारा सातपुरा, अभिषेक नारेड़ा, अमर सिंह खेड़ी सहित कई लोग मौजूद भी रहे।